स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज हमारे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा क्रिस्टा आई हुई है। आज हम इसका कंप्लीट सर्विस करने वाले हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि कंप्लीट सर्विस कैसे करते हैं, कंप्लीट सर्विस में क्या क्या चेक करना होता है, क्या रिप्लेस करना होता है, कंप्लीट सर्विस का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रेक सर्विस करेंगे। ब्रेक सर्विस कैसे करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो व्हील को रोटेट कीजिए, देखिए कोई बेयरिंग में वाइब्रेशन है। क्लच चेक कीजिए, कोई प्ले है। फ्रेंड इसी प्रकार हम सारे व्हील को ओपन करेंगे और व्हील रोटेट कर करके व्हील का साउंड चेक करेंगे, कोई बेयरिंग में साउंड तो नहीं है। व्हील ओपन करने के बाद हम कैलिपर का प्ले चेक करेंगे, देख सकते हैं इस कैलिपर में ज़रा भी प्ले नहीं है। कैलिपर में प्ले नहीं है, उसके बाद हम 14 का ये दो बोल्ट खोल कर ब्रेक पैड चेक करेंगे। ये 14 का दो बोल्ट हमने खोल दिया है, पिस्टन को बाहर लेंगे, देख सकते हैं इसमें साइड प्ले बंद करने के लिए कंपनी तार देता है। इसमें इसका ब्रेक पैड का कंडीशन देख सकते हैं आप, अभी भी 40% है। हम कस्टमर से बात करेंगे कि रिप्लेस करना है कि नहीं, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। इसका पिन देख सकते हैं आप, पिन बिल्कुल फ्री है, फिर भी हम ग्रीसिंग करके लगाएंगे इसको। अब हम पीछे का ब्रेक शू चेक करेंगे वो किस कंडीशन में है। ड्रम निकालिए, देख सकते हैं ड्रम का कंडीशन आप सब। इसको हम पॉलिश पेपर से घिस के हार्ड मेटल है वो निकालेंगे। इसका ब्रेक शू देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है ब्रेक शू। व्हील सिलेंडर चेक कीजिए, व्हील सिलेंडर भी फ्री है एकदम। हम इसको पानी से वाश करके पॉलिश पेपर मार कर फिर लगाएंगे। तो इसका एयर फिल्टर का कंडीशन दिखाएंगे। एयर फिल्टर निकालने के लिए फ्रेंड्स इसमें 4 क्लिप रहता है, वही निकालना होता है। हाँ, एयर फिल्टर निकालिए, उल्टा कीजिए, देख सकते हैं आप एयर फिल्टर का कंडीशन बिल्कुल सही है। इसको एयर प्रेशर दे के क्लीन करेंगे, अंदर दिखाइए, अंदर देख सकते हैं आप कितना कचरा है। इसको हम एयर प्रेशर दे के साफ करेंगे। ये कूलेंट का कंडीशन आप देख सकते हैं, हम इसमें 1 लीटर टॉप अप करेंगे। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड भी लेवल है। तो हम एसी फिल्टर का कंडीशन दिखाएंगे। एसी फिल्टर खोलने के लिए हमें ग्लो बॉक्स खोलना पड़ता है। ग्लो बॉक्स में इसी प्रकार से 2 लॉक आते हैं और ये साइड में एक्चुएटर दिया रहता है, उसको यहाँ से निकालना होता है। और ग्लो बॉक्स नीचे लीजिए, देख सकते हैं एक, इसको एसी फिल्टर और कैबिन फिल्टर भी बोलते हैं। कवर निकालिए उसका, देख सकते हैं आप यह है एसी फिल्टर। इसको भी एयर प्रेशर दे के हम साफ करेंगे क्योंकि बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, देख सकते हैं आर पर बिल्कुल क्लीन है। हम इसका बैटरी वाटर भी चेक करेंगे, कैप खोलिए बैटरी वाटर बैटरी का, इसमें हल्का हल्का कम है तो हम इसमें बैटरी वाटर टॉप अप करेंगे। देख लीजिए ये डीएम फिल्टर बैटरी वाटर है, फिलअप कीजिए। इसी प्रकार से है, हम 6 में वाटर फिल करेंगे बैटरी वाटर और फिलअप करके इसका जो कैप है वो लगा देंगे। मैंने कस्टमर जी से बात किया, उन्होंने बोला कि ब्रेक पैड चेंज कर दीजिए और डिस्क को स्क्रीमिंग करवा लीजिए, क्योंकि डिस्क में भी देखिए रफनेस आ गया है। तो हम डिस्क खोल के लेथ पे देंगे और ये नया ब्रेक पैड डालेंगे। अगर हम ब्रेक पैड डाल दिए और डिस्क कटिंग नहीं करवाए लेथ पे
तो फिर ब्रेक पेड ख़राब हो जाएगा और ब्रेक बराबर नहीं लगेगा, पैडल वाइब्रेशन देगा। डिस्क खोल दीजिए। डिस्क खोलने के लिए कैलिपर का 2 19 नंबर का बोल्ट खोलना होता है, ये वाला बोल्ट। जो खोलेंगे तो कैलिपर बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, डिस्क को ओपन करने के लिए इसमें 12 का 2 बोल्ट लगाएंगे डिस्क में और ये बोल्ट टाइट करेंगे तो आपका डिस्क इजीली बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं किस प्रकार से बाहर आ चुका है। और कैलिपर का बूट भी देख सकते हैं, ये राइट साइड का है, राइट साइड का बिल्कुल सही है। अब हम आपको लेफ्ट साइड का दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड का कैलिपर बूट फट चुका है, जिससे कैलिपर में प्ले हो सकता है और रनिंग में आवाज़ आएगा ब्रेक लगाने पे, खास खुद खास खुद। तो हम ये रबर भी चेंज करेंगे, तो हम डिस्क कटिंग करा लेते हैं, फिर आपको फिटिंग करने का प्रोसेस दिखाते हैं। फिल्टर क्लीन कर रहे हैं, हवा प्रेशर देकर देख सकते हैं कि मिट्टी बहुत कम है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। इसे अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर फिट करेंगे। इसी प्रकार से हम एसी फिल्टर भी साफ करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कैबिन फिल्टर है, जिसे हम एसी फिल्टर भी कहते हैं। इसे भी एयर प्रेशर देके अच्छे तरीके से साफ करेंगे। इस तरह से नहीं मारने का कभी भी, इस तरह से नहीं मारने का। ये जो लाइन है, लाइन चला के इसके अंदर मारने का। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे मनोज भाई सिखा रहे हैं हवा कैसे मारते हैं। ये लाइन के अंदर हवा मारना होता है, लाइन के अंदर हवा मारने, लाइन के अंदर कटना रहता है। ये देखो ऐसा फैला के इसे खट के इसके अंदर मारने का। एयर फिल्टर की बॉडी को भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। कैबिन फिल्टर के जगह को भी इसी प्रकार से क्लीन करेंगे। देख सकते हैं कितना मट्टी निकल रहा है कैबिन फिल्टर में से। देख सकते हैं आप, हम इसका कैबिन फिल्टर फिटिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने खोला था उसी प्रकार से हम इसे फिट भी कर देंगे। हम ग्लो बॉक्स को पीछे से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीन कीजिए ग्लो बॉक्स को पीछे से, इसमें थोड़ा कचरा जमा है। ग्लो बॉक्स फिट करने के लिए इसमें 2 लॉक दिया रहता है, वो 2 लॉक लगा देंगे, ग्लो बॉक्स फिट हो जाएगा। ग्लो बॉक्स हमारा अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। बंद करके दिखाइए, खोलिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसका एयर फिल्टर फिट करेंगे। एयर फिल्टर फिटिंग करने से पहले हम इसका बॉडी अच्छे से साफ कर लेंगे कपड़े से, उसके बाद एयर फिल्टर फिट करेंगे। एयर फिल्टर भी अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। इसमें सिर्फ 4 क्लिप आते हैं जो हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, देख सकते हैं 4 क्लिप। यहाँ से हम कूलेंट ड्रेन करेंगे। रेडिएटर के लोअर बटन में एक की आता है, वहाँ से हम कूलेंट 1 लीटर ड्रेन करके ऊपर से टॉप अप करेंगे। देख सकते हैं कूलेंट ड्रेन कर रहा हूँ मैं। अब हम इसमें कूलेंट टॉप अप करेंगे। कूलेंट टॉप अप कीजिए आशीष जी। देख सकते हैं आप, लेवल आ चुका है। एफ तक है, एफ मतलब फुल होता है। आप कैप लगा दीजिए। हमारा कूलेंट भी टॉप अप हो चुका है। इसका बेल्ट का भी कंडीशन देखेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फैन बेल्ट है, पूरी तरीके से अच्छा है। इसका ग्रिप में ज़रा भी लाइन नहीं आया है। ये बेल्ट अभी काफ़ी समय तक चलेगा। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये इनोवा क्रिस्टा का डीजल फिल्टर है, तो इसे हमने रिप्लेस किया है, ठीक है। नया डीजल फिल्टर हम बिठा रहे हैं। यहाँ पे एक तीर का मार्का दिया है, ठीक है। ये तीर का मार्का का जो पॉइंट है, ये आप इस तरह से इसके नीचे देखिएगा, आपको ये देखिए यहाँ पे एक तीर का मार्का दिया है, क्योंकि हम थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, थोड़ा स्क्रेच हो गया है। ये देखिए ये तीर का मार्का, तीर का मार्का के एकदम सामने
ये तीर का मार का रहना चाहिए, इस पोजीशन पे आपको ये रख कर ठीक है ये बॉडी को और ऐसा प्रेस करना है जोर से, ये देखिए ठीक है इस तरीके से आपको प्रेस करना है चारों बाजू से प्रेस करके, फिर ये आपका जो ये है इसको दबा कर रख कर फिर टाइट करना है। थोड़ा ऊपर से दबाइए मेरा जी, दबा कर रख कर फिर आपको ये टाइट करना है, आपका एकदम ईजी टाइट हो जाएगा, ना लीकेज का प्रॉब्लम होएगा ना कुछ होएगा ठीक। तो फ्रेंड हम इसका डीजल फिल्टर फिट कर रहे हैं, इसका अभी ऑयल ड्रेन करेंगे। ऑयल ड्रेन करने के लिए इसका 14 का बोल्ट खोलना होता है जो चेंबर में लगा होता है, देख सकते हैं ऑयल, ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन में ऑयल काला ही होता है लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही काला है दोस्तों। अब हम इसका ऑयल फिल्टर खोलेंगे, ऑयल फिल्टर का लोकेशन इधर है जस्ट गियर बॉक्स के बगल में। इसका ऑयल फिल्टर खोलने के लिए हमें केकड़ा पानी का इस्तेमाल करना होता है और दो कनेक्शन लगाना पड़ता है तभी जाके इसका ऑयल फिल्टर खुलता है। हमारा ऑयल फिल्टर भी खुल चुका है, ऑयल फिल्टर दिखाइए, ये देख सकते हैं आप ये ऑयल फिल्टर है, यह हमारा नया वाला ऑयल फिल्टर है जिसे हम फिट कर रहे हैं। फिल्टर को हाथ से ही टच करना होता है, उसके बाद पानी से दो राउंड घुमाना होता है, ज़्यादा टाइट करने से लीकेज हो जाता है, उसमें ओरिंग दिया होता है। देख सकते हैं आप हमने हाथ से ही पूरा टच कर लिया है, अब पानी से सिर्फ दो राउंड घुमा देंगे तो फुल्ली टाइट हो जाएगा। ऑयल फिल्टर हमारा पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, अब हम इसका ड्रेन प्लग बोल्ट लगाएंगे। ऑयल पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, बोल्ट को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि हमें लीकेज भी चेक करना होता है। ड्रेन प्लग बोल्ट भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है, अब हम इसका गियर ऑयल लेवल चेक कर रहे हैं। देख सकते हैं बाहर टपकने लगा, मतलब गियर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, गियर ऑयल है इसमें पहले से, बोल्ट लगा दीजिए। ये हमारा गियर ऑयल लेवल भी चेक हो चुका है, हम इसका डिफरेंशियल ऑयल चेक करेंगे। देख सकते हैं आप इसका डिफरेंशियल ऑयल हम खुद चेक कर रहे हैं, बोल्ट ओपन कीजिए मिराज जी, देखिए डिफरेंशियल ऑयल भी भरा हुआ है, कंडीशन चेक कीजिए इसका, अच्छा ऑयल है देख सकते हैं, क्लीन दिख रहा है, टाइट कर दीजिए। हमने बोल्ट को पूरी तरीके से टाइट कर दिया। फ्रेंड हम इसका ब्रेक शू पानी मारकर अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद हवा मारेंगे, फिर पॉलिश पेपर मारेंगे ताकि इसका मट्टी अंदर से पूरी तरीके से निकल जाए और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तभी ब्रेक प्रॉपर लगेगा। इसी प्रकार से हम दोनों साइड का क्लीन करेंगे। फ्रेंड हमने पानी इसमें मार लिया था लाइनर में, अभी हम एयर को इसे सूखा कर रहे हैं, सूखा करने के बाद इसमें पॉलिश पेपर मारेंगे, देख सकते हैं आप इसमें ज़रा भी कचरा नहीं है। अभी इसको हम पेपर मार के ड्रम लगा देते हैं, हम इसमें अच्छे तरीके से पॉलिश पेपर मार के इसका जो हार्ड मेटल है वो निकालेंगे, फिर हम ड्रम में भी पॉलिश पेपर मारेंगे। अब हम दोनों ड्रम फिट कर देते हैं, हमारा पॉलिश पेपर मार के हो चुका है, पीछे का ब्रेक सर्विस पूरी तरीके से हो चुका है, देख सकते हैं आप ये लेफ्ट साइड का है, हम आपको राइट साइड का भी दिखाते हैं, देख सकते हैं आप ये राइट साइड का है, हमने दोनों ड्रम लगा दिए। अब हम इसमें इंजन ऑयल फिलअप करेंगे, ये देख सकते हैं ऑयल गेज है, इससे ऑयल लेवल आप चेक कर सकते हैं इजीली, और इधर से इंजन ऑयल फिलअप आप कर सकते हैं, इसमें करीबन 8 लीटर इंजन ऑयल जाता है क्योंकि ये 2.4 लीटर इंजन है। अब हम इसमें इंजन ऑयल फिलअप करते हैं, हम इसका ऑयल फिलअप कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं,
अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ऑयल फिल्टर और डेंट प्लग बोल्ट को चेक करेंगे कि वहाँ से ऑयल लीकेज तो नहीं है। देख सकते हैं आप, कार हमारी स्टार्ट है। पीछे का ब्रेक का काम हमने कर दिया है, अब हम इसका हैंड ब्रेक देखेंगे। देखिए हैंड ब्रेक कितना खाचा उठ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको भी सेटिंग करना होता है। फ्रेंड्स 5 खाचा ये उठ रहा है, मतलब बराबर है। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 उठना चाहिए। तो अभी ये हमारा परफेक्ट है और गाड़ी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। अब हम इसे वॉशिंग करेंगे। देख सकते हैं आप, ऑयल फिल्टर बिल्कुल ओके है और इसका डेंट प्लग बोल्ट भी बिल्कुल सूखा हुआ है, इधर से कोई लीकेज नहीं है ऑयल। तो हमारी कार पूरी परफेक्ट है। हमने इसको हाइड कर लिया है, अब इसको अंडर बॉडी वॉशिंग करेंगे और डीजल वॉश करेंगे, बॉडी फुल डीजल वॉश करेंगे। ये इनोवा क्रिस्टा का डिस्क है, ये लेद वर्क होके आ गया है। देखिए कितना फिनिशिंग है डिस्क में। ब्रेक पैड डालने से पहले डिस्क कटिंग कराना अच्छा रहता है, ब्रेक पैड का लाइफ बढ़ जाता है। बूस फटा था, इसके लिए हमने ये चारों पिन नया मंगा लिया और हम इसे फिट करके आपको दिखाते हैं। हम कैलिपर में ये पिन बिठाते हैं, बिठा के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसके अंदर कपड़ा डाल के ऐसे साफ कर लेना है पिन के अंदर। देख सकते हो सही तरीके से क्लीन कर दिया हमने। उसके बाद ये कॉलर वाला है रबर, ये कॉलर को इसमें बिठा लीजिए। देखिए साफ कर लेंगे तो आसानी से बैठ जाएगा, देखिए एकदम आसानी से बैठ गया। अब इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसा चेक कर लीजिए। देखिए ये छोटा है और ये होल बड़ा है, ये नीचे वाला छोटा है। इसमें फ्रेंड दो पिन आता है, एक बड़ा आता है एक छोटा आता है, तो बड़ा वाला ऊपर में जाएगा। इसको अच्छे से ग्रीसिंग करना है, ग्रीसिंग करके पिन आराम से लग जाएगा। अब हम इसको फिट करके दिखाते हैं। सबसे पहले डिस्क को बिठा लेना है। बिठाने के बाद ये आगे पीछे होता है, उसके लिए आप दो व्हील का नट लगा लीजिएगा। कैलिपर बिठाएंगे, कैलिपर में ये 219 का बोल्ट आता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये ब्रेक पैड में ये पतरा देता है, ये लॉकिंग पतरा है, इसको इधर बिठाना होता है। देख सकते हैं इजीली बैठ गया, दोनों ब्रेक पैड में बिठाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, फ्रेंड्स ये लॉकिंग वाला पतरा बैठ गया है। उसके बाद से हम ये वाला पतरा लगाएंगे, देखिए ब्रेक पैड के ऊपर लगता है ये। देख सकते हैं ऐसे बिठाना होता है पतरा। देख सकते हैं आप दोनों ब्रेक पैड में हमने पतरा बिठा लिया है, ये लॉकिंग वाला भी है और ये ऊपर वाला पतरा भी। अब आपको ऐसे ब्रेक पैड बिठा देना है, देखिए कितना आसानी से बैठ गया ब्रेक पैड। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ब्रेक पैड दोनों साइड का बैठ चुका है, अंदर बाहर का दोनों। ये कैलिपर में साइड प्ले ना होने के लिए जो कंपनी तार देता है, इसमें तार दिखाना होता है ब्रेक पैड में। ये ब्रेक पैड में होल दिया है, देख सकते हैं आप लोग तार बैठ चुका है ब्रेक पैड में। ये साइड प्ले बंद करने के लिए तार देता है कंपनी। ये पिस्टन दबाने के लिए आपको ब्रेक आयल का कैप खोलना होता है, नहीं तो बूस्टर का किट पलट सकता है और ब्रेक फेल हो सकता है। एक कैलिपर में दो और बोल्ट लगता है, ब्रेक का लास्ट बोल्ट है 14 नंबर का। हमारा ब्रेक हो गया, बैठ चुका है।
फ्रेंड्स, हमारा ब्रेक पैड पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है। अब जिस प्रकार से हमने लेफ्ट साइड का बिठाया है, उसी प्रकार से हम राइट साइड का भी बिठाएंगे। उसके बाद ब्रेक पंप करके चेक करेंगे कि हमारा व्हील फ्री है कि नहीं, तो हम व्हील लगाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड का ब्रेक पैड लगा दिया है। अब ब्रेक पंप करके देखते हैं क्या हमारा व्हील फ्री है कि नहीं आगे का। मिराज जी, व्हील चेक कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा व्हील भी एकदम फ्री है। इसी प्रकार से हम दोनों चारों व्हील ही चेक कर लेते हैं। क्लीनिंग का काम चालू है, ये देख सकते हैं कार के अंदर का सारी मैटिंग को निकाल के धुला जाता है डीजल वाश। और कार को पहले डीजल वाश फिर शैम्पू वाश करना होता है, और इसका अंडर बॉडी वॉशिंग भी होता है। फ्रेंड्स, हम कार को वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं इसका लुक। इनोवा क्रिस्टा का गाड़ी का कंप्लीट सर्विस का काम पूरा हो चुका है। अब हमने गाड़ी को अंदर लिया है, अंदर लेकर इसका लाइट वेट जो है लाइट वेट चेक करेंगे, साइड का दोनों मिरर चेक करेंगे ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, बैटरी में जेली वेली लगाएंगे, बैटरी में जेली लगाएंगे, चारों डोर में ग्रीसिंग करेंगे, चारों डोर का जो लॉक आता है उसमें ग्रीसिंग लगाएंगे। इसका हमने ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर सारी चीज़ रिप्लेस कर दिए हैं। आपको ऑयल फिल्टर दिखा दें, ये देखिए ऑयल का लेवल भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ऑयल का लेवल देखिए, यहाँ तक रहना चाहिए, एकदम बराबर है ऑयल का लेवल। ये हमारा लॉक में चारों डोर लॉक में ग्रीस लगा रहे हैं ताकि डोर क्लोज और ओपन करने पे आवाज़ ना आए। इसी प्रकार से हम चारों डोर में लगाएंगे, टिक्की में भी लगाएंगे, बोनट में भी लगाएंगे। अब से थोड़ा लाइट चेक कर लेते हैं, सारे लाइट चालू है कि नहीं चालू है, चारों पांच विंडो ऊपर नीचे करके चेक कर लेते हैं कोई जाम हो तो नहीं है। ये हमने पूरी तरह से एकदम चकाचक कर दिया है, अंदर से पूरा हमने मैटिंग भी धोकर वॉश करके डाल दिया है। चालू है, पांच विंडो देखो, ओके। इसके जो भी कंपनी सर्विस में जो भी काम आते हैं वो सारे काम हो चुके हैं। हमने आपको सामने सब करके दिखाया है, इसका लाइट वेट चेक भी कर लिया है, चारों पांच विंडो भी चेक कर लिया है, पूरी लाइटिंग भी चेक कर ली है, हमारा साइड मिरर ओपन और क्लोज होता है कि नहीं होता वो भी चेक कर लिया, आगे पीछे का वाइपर भी हमने चेक कर लिया है। ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। तो अब हम इनोवा क्रिस्टा को टेस्ट ड्राइव पे लेके चले हैं, क्योंकि हमने इसका कंप्लीट सर्विस का काम किया था, इसका ब्रेक पैड वेट भी चेंज किया है, आगे का फ्रंट जो डिक्सा था उसको भी हमने लेथ मशीन पे कटिंग किया है। तो इसके लिए हमको इसका टेस्ट ड्राइव लेकर चलाकर देखना जरूरी है कि इसका ब्रेक प्रॉपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा चला देंगे, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, जब हम ब्रेक पैड नया डालते हैं और डिस्क कटिंग करते हैं तो उसको सेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी अगर हम डायरेक्ट कस्टमर जी को दे और वो ट्रायल मारेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ब्रेक लग नहीं रहा, तो इसके लिए हम थोड़ा उसको जो ब्रेक पैड का जो चिकनापन रहता है उसको थोड़ा रफ कर देंगे ताकि ब्रेक प्रॉपर लगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, टेस्ट ड्राइव लेकर उसको प्रॉपर करके और फिर कस्टमर जी को बुलाकर गाड़ी डिलीवरी दे देंगे। इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए फ्रेंड, देख सकते हैं हम गैरेज पे अपने एंट्री कर रहे हैं। कभी भी आप लोग किसी भी गाड़ी का कंप्लीट सर्विस करते हैं, अगर ब्रेक पैड रिप्लेस करते हैं, लाइनर रिप्लेस करते हैं, तो प्लीज उसे टेस्ट ड्राइव लेकर चेक कर लीजिए, क्योंकि उसका ब्रेक प्रॉपर लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या कंडीशन है, ब्रेक कितना टच करने पे लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, ब्रेक आपका ब्रेक का पेडल ब्रेक मारने पे अंदर तो नहीं जा रहा है। तो ये सब कभी भी गाड़ी में कंप्लीट चेक कर लीजिएगा, जो हमने अभी चेक किया है।
तो अभी हमारा गाड़ी फाइनल हो चुका है। आज का हमारा ये वीडियो था इनोवा क्रिस्टा कंपनी सर्विस का, कि कंपनी सर्विस में हम लोग क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या चेक करते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है सब्सक्राइब करना ना भूलिए।